जब नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया जा रहा है, हमारे जिलों को डिसिप्लिनेट किया जा रहा है, मर्जी और जैसे जो अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं, कानूनी हमको ताक पे रख रहे हैं, भय और भ्रष्टाचार जिस संस्था के अंदर व्याप्त होगा वो संस्था आगे नहीं चल सकती। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच अंदरूनी झगड़ा तो जारी है, दूसरी तरफ क्रिकेट की राजनीति के बहाने आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा सवाई मान से स्टेडियम जो है छावनी बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने अपना नामांकन भरा है और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ना चाहते थे रामेश्वर डूडी, जो पिछले बार जब नेता विपक्ष थे तब एक कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस में, इस बार चुनाव हारने के बाद उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन उनके जो नागौर जिला क्रिकेट संघ से जो आते थे उसकी संबद्धता रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ आज यहां पर आए हैं। उनके रोकने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स भी लगाई हुई है। हमारे साथ हैं उनके साथ देने वाले नांदू जी से बात करते हैं, क्या समस्या रही आप लोग, क्या इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए, क्रिकेट है या क्या है? यही तो हम राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से खेल के मैदान को पुलिस का मैदान बना दिया गया है। यहाँ खिलाड़ी नहीं, पुलिस के पदाधिकारी आ रहे हैं और जो ओरिजिनल मतदाता है जो फार्म भरने जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट जारी की गई उसमें 3 जिला संघों को उड़ाया गया, उसके साथ 2 जिला संघों को और हटा दिया। पहली लिस्ट आई उसमें से 3 जिला संघ बदल दिए, दूसरी लिस्ट आई उसमें 2 बदल दिए, तीसरी आई उसमें 6 जिला संघ बदल दिए। इस तरीके से मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ करके सीपी जोशी वैभव गहलोत के पीछे अपने कुत्सित विचारों को साकार करने के लिए ये रचना रची जा रही है। इसके पीछे 5 साल में जो रुका हुआ पैसा है वो कम से कम 250 करोड़ रुपए आएंगे, उन 250 करोड़ रुपए को सीपी जोशी और उनके आदमी खाना चाहते हैं, इसलिए ये व्यू रचना रची जा रही है। इसके साथ साथ मैं और बता दूं, ये झगड़े की जड़ ये नहीं है, एक दिल्ली में दिल्ली रोड पर एक स्टेडियम की जमीन अलॉट हो रखी है, उस जमीन के पास बेनामी संपत्तियां किस किस ने खरीद रखी है उसकी जांच करा ले, उसकी जांच में पता लग जाएगा कितने करोड़ों और अरबों रुपए का उस स्टेडियम के पीछे जमीनों का खेल खेला जा रहा है। ये खेल की राजनीति नहीं है। देखो उसमें ऐसा है कि आरसीए के इलेक्शन के लिए मैं जो है नागौर जिले से आता हूँ और पीछे खींचातान रही, पिछली बार इलेक्ट्रल ऑफिस टीएस कृष्णामूर्ति आए थे तो सीपी जोशी ग्रुप ने जो है उनके साथ में धक्का मुक्की करके अभद्र व्यवहार करके, क्योंकि वो निष्पक्ष चुनाव करवाना चाह रहे थे और निष्पक्ष तरीके से चल रहे थे, उनको उस हिसाब से जो भगाने का काम किया। फिर बाद में अभी दोबारा जो है वो रासमी जी आए इलेक्ट्रल ऑफिसर और उन्होंने जिस तरीके से हमारे जो 3 जिले नागौर, गंगानगर, अलवर, उन्होंने तीनों जिले डिसएफिलिएटेड कर दिए, जबकि उनके हाईकोर्ट के आदेश थे, उन आदेशों की अवहेलना करते हुए। तो मुझे ये कंप्लीट लगता है कि जिस दिन रात को 2:30 बजे जो है लिस्ट निकालना, तो पूरा संदेह हो गया था कि ये बिल्कुल बाइस्ड होके और सरकार के दबाव के अंदर आकर और 3 जिलों को डिसएफिलिएटेड किया है कानून नियमों को बिल्कुल ताक में रखकर। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं किसान का बेटा हूँ, गांव ढाणी का वो टैलेंट जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं, उनकी हक और अधिकार को दिलाने में हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो जो गांव ढाणी खेत तक का शहर कस्बे का टैलेंट जो है वो आए और क्रिकेट जगत के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नाम हो और वो उन ऊंचाइयों पे पहुंचे। इन्होंने पिछले 4 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे ताले लगा रखे हैं, इन्होंने अपनी बापूती समझ रखी है। आज चुनाव निष्पक्ष हमें चाहिए, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं लग रहा क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट जारी करी थी और जिस तरीके से हमारे 6 जिले 3 जिले डिसएफिलिएटेड कर दिए थे, बाकी जिलों को उड़ा दिया था, तो ये जिस तरीके से उनका सोच जो उभर के आया है, तो इन्होंने बिल्कुल बाइस्ड होके सरकार के दबाव के अंदर आकर और कानून नियमों को ताक में रखकर जिस तरीके से लिस्ट जारी करी है, राजस्थान का वो यूथ, राजस्थान की आम जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। सर, आप कह रहे हैं कि जो अभी चुनाव अधिकारी लगाए गए वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे, बिल्कुल हाईकोर्ट के इस्तीफों को नहीं, हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स को नहीं माना, ये 3 जिले डिसएफिलिएटेड किए, उन्होंने एक कारण दिया कि ललित मोदी से संबंध रखते हैं, तो ललित मोदी राजस्थान का है नहीं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का वो अध्यक्ष बना था, अब उसका वो जो 2017 के अंदर चला गया
आज हिंदुस्तान में भी नहीं है, वो बाहर चला गया। हमें ललित मोदी से कोई लेना देना नहीं, ललित मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसकी आड़ के अंदर, ललित मोदी की आड़ के अंदर, कि ललित मोदी आज भी उन जिलों के अंदर है, इन जिलों से संबंध रखता है, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। और हाईकोर्ट ने उस पर इस्तीफा जो है उसमें स्टे भी दे दिया, और जब उसकी सीपी जोशी ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हुए इन जिलों को डिसिप्लिनेटेड किया है, और उन्होंने उसी बात को मानते हुए और पूरे जिलों को उड़ा दिया, ये कहाँ का न्याय है? जब आप हाईकोर्ट के स्टे को नहीं मान रहे हो, हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हो, तो उसमें सरासर जो है इन्होंने नियम कानून को ताक में रखकर और सरकार की प्रेशर में आकर और सरकार के दबाव में आकर जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहे। सरकार में जो मुखिया सरकार के और सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अभी आरसीए के जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो जिस तरीके से सरकार का मिसयूज कर रहे हैं और सरकार के पावर का जो पुलिस प्रशासन हो, आज आपने देखा होगा कि बाहर पुलिस ने गेट बंद कर लिए, हमारे जिला के जो एग्जीक्यूटिव है, जो सेक्रेटरी है, वो फार्म भरने के लिए आ रहे थे, नॉमिनेशन फाइल करना था, 1 बजे का टाइम था, उनको गेट पे रोक लिया गया, उन पे लाठी बरसाई गई, उनको अंदर नहीं आने दिया, हम मुश्किल से जो है उनसे झगड़ करके और ज़बरदस्ती तरीके से जो है हम आकर और नॉमिनेशन फाइल किया है। तो ये सरकार जो है सरकार की है, पुलिस तंत्र जितना सारा सरकार का है, और सरकार का मिसयूज जो है खाली सीपी जोशी ग्रुप कर रहा है। ये जो प्रदेश की जनता इस बात को समझती है, आज गहलोत साहब के बेटे वैभव गहलोत इसमें आए हैं क्रिकेट परिवार के अंदर, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं कि वो आए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एंट्री करी है और जिस तरीके से सरकार के दबाव में आकर और प्रशासन काम कर रहा है, हमें आरसीए के अंदर बाहर धकेला जा रहा है, हमें हमारे नियम कानून के तहत जो है नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप किसकी मानोगे? ये तो सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का फर्ज बनता है, और सरकार जो है सरकार का कम्प्लीटली मिसयूज जो है सीपी जोशी और सरकार के मुखिया पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इसमें सरकार के मुखिया को सोचना चाहिए कि इस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर पैदा किसने किए। तो ये तो दिख रहा है ना सामने, जब नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया जा रहा है, हमारे जिलों को डिसिप्लिनेटेड किया जा रहा है, इनके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स, स्पोर्ट्स काउंसिल, इनके घर की है, मर्जी वैसे आदेश करवा रहे हैं, मर्जी और जैसे जो अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं, कानूनी हमको ताक पे रख रहे हैं, और जिस तरीके से ऑर्डर निकाल रहे हैं, आप उसमें जाके देखो कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों से ये कर रहे हैं, बिल्कुल नियम कानून को ताक में रखकर, ये सरकार की सह के बगैर नहीं हो सकता। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह के हालात है यहाँ पर स्टेडियम के सामने, ये चुनाव नहीं ऐसा लग रहा है, क्रिकेट का चुनाव नहीं कुछ, ये कोई जोर आजमाइश चल रही हो, जिस तरह का माहौल है यहाँ पर देखिए राजनीतिक पार्टियों की तरह नारेबाजी चल रही है। एक तरफ वैभव गहलोत है मुख्यमंत्री के बेटे, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही दिग्गज नेता है रामेश्वर डूडी, आपस में ही कांग्रेस में झगड़ा इस तरह से है जो सामने आया है क्रिकेट के बहाने, यानी क्रिकेट में कोई जीते हारेगी तो कांग्रेस ही। कैमरा मैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।